प्रतिभाओं को निखारने के लिए साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अधिक से आयोजन होना जरूरी है ताकि छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल सके। यह बात शनिवार को डीक के मास्टर आदित्य इंद्रजीत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व शासन महारानी दिव्या सिंह ने कहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि कवन अनिरुद्ध सिंह व नगर विधायक वाजेव अली थे, जहां सर्वप्रभ मां शारदी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय की छात्राओं व प्रोफेसर हेमा देवरानी द्वारा मां शारदे की वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा महाविद्यालय के विकास के लिए बजट दिलाने की मांग पर मुख्य अतिथि पूर्व शासन दिव्या सिंह ने कहा कि महाविद्यालय के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। छात्र छात्राएं लक्ष्य बनाकर मन लगाकर पढ़े, जिससे कि उनके माता पिता गुरुजन व देश का मान व सम्मान बढ़ सके। सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं एक दिन कॉलेज परिसर में छात्राओं से मेहंदी लगवाने अवश्य आऊंगी। इस दौरान उमंग के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन पर एक नृत्य सामूहिक गीत निबंध प्रतियोगिता आंसू भाषण सहित आदि प्रतियोगिता में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए ईशान शर्मा, अभिलाषा शर्मा, सारिका, तनु, गरिमा, कीर्ति, हेमलता सहित आदि छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र वशील देकर सम्मानित किया गया।